में भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमती मोरारजी से भेंट करने आते हैं। महाराज कृपया अंदर आइए। हरे कृष्ण, मैं आपसे नम्र निवेदना करता हूँ कि आप मुझे अपने किसी जहाज द्वारा अमेरिका जाने की अनुमति दें। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं विदेश जाकर श्री गुरु और गौरंगा का संदेश का प्रचार प्रसार करूँ। कृपया आप मेरी निःशुल्क यात्रा का इंतजाम करें। स्वामी जी, आप इस वृद्धावस्था में ऐसी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? मेरे लिए यही उचित है, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है। गुरु की आदेश पालन करना के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। मुझे जाना ही होगा, मैंने ये निश्चय कर लिया है। महाराज कृपया अंदर आइए। हरे कृष्णा, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपने किसी जहाज द्वारा अमेरिका जाने की अनुमति दें। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मैं विदेश जाकर श्री गुरु और गौरांगा के संदेश का प्रचार प्रसार करूँ। कृपया आप मेरी निःशुल्क यात्रा का इंतजाम करें। स्वामी जी, आप इस वृद्धावस्था में ऐसी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? मेरे लिए यही उचित है, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है। गुरु का आदेश पालन करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। मुझे जाना ही होगा, मैंने ये निश्चय कर लिया है। किंतु आप अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वह देश भारतवर्ष से बिल्कुल अलग है। परंतु अमेरिकी जनता पूरे विश्व का नेतृत्व करती है। यदि वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं तो संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत फैल जाएगा। मेरे अनुसार आपको वृंदावन में निवास करना चाहिए, आप अमेरिका जैसे पापयुक्त स्थान में ना जाए। किंतु यह मेरे जीवन का मिशन है और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे। जहाँ भी भगवान कृष्ण के शुद्ध नाम का जाप होता है वह स्थान वृंदावन कहलाता है। कृपया मुझे जाने दे। ठीक है स्वामी जी, परंतु मैं आपको जाकर वापसी करने की टिकट एक साथ ही दे दूंगी ताकि आपको वापसी में कोई कठिनाई ना हो। धन्यवाद। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत यात्रा के कुछ दिन पहले कोलकाता आए, जबकि उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी शहर में ही बिताई, किंतु इस समय उनके रहने की कोई जगह नहीं थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था, मेरे पास पत्नी पुत्र पुत्री परिवार सभी कुछ है, किंतु मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वे सब एक निरर्थक महिमा हैं। हालांकि इस शहर में बाल अवस्था के दौरान उनका ध्यान पूर्वक पालन पोषण हुआ, किंतु यह सब अब बीती हुए दिन की तरह समाप्त हो चुकी है। जलदूत यात्रा पे निकलने से एक दिन पहले भक्ति वेदांत स्वामी मायापुर स्थित अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि दर्शन करने गए। आपने मुझे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करने का आदेश दिया था और अब आपके आदेश का पालन करने सालों बाद मैं जा रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद दे और मेरी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। शीला प्रभुपाद के विदेश यात्रा के संदर्भ में एक बंगाली अखबार में खबर छपी, श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी जो एक वृंदावन वासी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इस महान कार्य की सराहना पूरे विश्व में होगी। इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे कोलकाता से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। शुक्रवार के दिन 13 अगस्त 1965 वे विदेश यात्रा आरंभ करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी कोलकाता पोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी पर बैठे। वे अपने साथ बंगाली संस्करण की चैतन्य चैतामित्र भी अपने साथ ले जा रहे थे, जिसे वे जलदूत यात्रा के दौरान पढ़ना चाहते थे।